नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, राजधानी भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में किसानों की समस्याओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में किसान कांग्रेस ने किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की है, जिसमें किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने बताया है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार जुल्म और अत्याचार कर झूठे आरोप लगा रही है। फसलों की तुलाई नकद भुगतान समर्थन मूल्य पर दिए जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर हटाए जा रहे हैं, लोगों को मुआवजे के लिए किसान कॉल सेंटर खोला गया है, जिस पर किसान अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। आज से हम यहाँ प्रतिदिन एक केंद्र में बैठेंगे, हमारी एक पूरी टीम है, उस टीम के माध्यम से हम किसानों की समस्याओं को एकत्रित करेंगे। आज हम किसानों की मांगों को लेकर आए हैं। मैं हफीज खान, किसान कांग्रेस प्रदेश महामंत्री। हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के जो भी किसान हैं और जो भी मंडियां हैं मध्य प्रदेश के अंदर, उन मंडियों पे जो किसानों का उचित दामों पे गल्ला खरीदा जाए, उनको उचित रेट दिए जाए, उसको लेके आज माननीय कमलनाथ जी के माध्यम से और किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर जी के माध्यम से आज PCC में एक टेलीफोन का शुभारम्भ हो रहा है, उसको लेकर हम लोग यहाँ पर PCC में आए हैं। किसान कांग्रेस। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार लगातार जुल्म अत्याचार कर रही, झूठे मुकदमे लगा रही है, फसलों की तुलाई समय पर नहीं हो रही, नगद भुगतान नहीं हो रहा है, समर्थन मूल्य पर फसलें नहीं खरीदी जा रही, बिजली के बिल चौगने दिए जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर हटाए जा रहे हैं और मुआवजे नहीं दिए जा रहे हैं फसलों के, इन सबकी समस्याओं के निराकरण के लिए और उनकी लड़ाई लड़ने के लिए माननीय कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में किसान कॉल सेंटर खोला है, जिस पर मध्य प्रदेश के किसान भाई अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और उनकी शिकायत दर्ज होने पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, किसान कांग्रेस के साथ ही सारे लोग लड़ाई लड़ेंगे और किसानों की समस्याओं का समाधान कराएंगे। और माननीय कमलनाथ जी समय समय पर कॉल सेंटर के माध्यम से शिकायतें जो दर्ज होंगी उन किसान भाइयों की समस्याओं को लेके शिवराज सिंह चौहान से जवाब दो हिसाब दो का नारा लगाकर बात करेंगे कि इतने किसान मध्य प्रदेश के इन समस्याओं से जूझ रहा है, इनकी समस्याओं के समाधान करें। अब भारतीय जनता पार्टी की पोल खुलने वाली है, अब इसकी ईमानदारी से किसान भाइयों की लड़ाई हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता कमलनाथ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में लड़ेंगे। ये कॉल सेंटर जब हमारे मध्य प्रदेश में ये कॉल सेंटर हमेशा चलेगा और उसकी आज से शुरुआत हुई है, फसलों की तुलाई समय पे हो, उसके क्या समस्या, उसकी अगर हम पर कोई शिकायत करता है तो तुरंत हम संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे, संबंधित विभाग में बात करेंगे कि किसान भाई की समस्या का निराकरण हो। और आपके माध्यम से हम किसान भाइयों से प्रार्थना करना चाहते हैं, आपकी कोई भी अगर समस्या है तो आप हमारे किसान कांग्रेस के कार्यालय में आप शिकायत दर्ज कराएं, कॉल सेंटर पे जो कांग्रेस कमेटी द्वारा खोला गया उस पर शिकायत दर्ज कराएं, हम आपकी समस्या के लिए माननीय कमलनाथ जी के साथ पूरी ईमानदारी निष्ठा से किसान भाइयों की समस्या के निराकरण की लड़ाई मध्य प्रदेश में लड़ेंगे। सर, आज किसान कॉल सेंटर का आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज शुरुआत हुई है, क्या मकसद है सर, क्या किसानों की समस्या सरकार निराकरण नहीं कर पा रही क्या? नहीं, देखिए, इसका दोनों पक्ष है। पहला पक्ष तो ये है कि प्रदेश के किसानों की जो समस्याएं हैं, उनकी जो मांगे हैं, उनको उचित मूल्य मिलना है, तुलाई ठीक से होना है, मंडी में उनका माल बिकना है, ये सारा पॉजिटिव बात है जिसके लिए कांग्रेस हमेशा प्रयास करती है। दूसरी तरफ किसानों की जो शिकायतें आज भी प्रदेश में आ रही हैं, और जहाँ ओलावृष्टि हुई है, जहाँ आगजनी हुई है या कोई प्राकृतिक आपदा हुई है, उसके बारे में आज सुबह से ही बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं। तो किसान कॉल सेंटर का उद्देश्य यह है कि किसानों की जो समस्या है उसको हल करने का प्रयत्न शासन द्वारा कराया जाए या जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा कराया जाए। किसान भाई जो भी अपनी समस्या कॉल सेंटर पर लिखाएंगे, तत्काल हमारे जो अधिकारी बैठेंगे उस संबंध में संबंधित अधिकारी से उसी दिन बात करेंगे और इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि किसानों की समस्या हल हो। कमलनाथ जी का ये सुझाव है और उनके निर्देशानुसार आज से यह कॉल सेंटर प्रारंभ हो रहा है। सर, ये कॉल सेंटर कब तक चलेगा? दूसरी बात, ये प्रदेश में BJP की सरकार है, आप जो समस्याएं भेजेंगे प्रदेश कांग्रेस कमेटी भेजेगी, तो क्या आपको लगता है कि निराकरण करेगी बात? अरे भाई, नहीं करेगी तो आंदोलन करेंगे, प्रतिपक्ष का जो दायित्व हम निभाएंगे। देखिए, हमारा अपना धर्म, अपना दायित्व जरूर है, हम अपनी बात शासन के सामने कहेंगे, अगर नहीं सुनी तो भी सड़क पर उतरेंगे, इसमें क्या दिक्कत की बात है। कॉल सेंटर कब तक चलेगा सर? बिल्कुल लगातार चलेगा, जब तक कांग्रेस पार्टी रहेगी तब तक चलेगा। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।